मैं आपका तारुफ कराता हूँ जोश मलिहाबादी साहब के पर पोते। आप जोश मलिहाबादी साहब के बारे में उनके कुछ वाकयात बताइए। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद ईसा खान, मैं जोश मलिहाबादी का पर पोता हूँ। उनके कुछ वाकयात इस तरह हैं कि जैसे एक बार मलिहाबाद में 3 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी, तो उस वक़्त भी और अभी भी ये कानून है कि जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो चाहे तो उस सज़ा को कैंसिल कर सकता है। तो लोग यहाँ से ख़त किताबत की गई जोश दादा से कि ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, और उस टाइम इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। तो क्या जोश मलिहाबादी साहब के इंदिरा गांधी से और इन लोगों से अच्छे टच में थे? जवाहरलाल नेहरू साहब से बहुत ही अच्छे उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे जी। तो जब इंदिरा गांधी के पास मैसेज पहुँचाया उन्होंने, बल्कि लोगों ने उनसे कहा कि आप इंदिरा गांधी से कह दीजिए आके, उन्होंने कहा अरे मैं कह दूँगा, फ़ोन कर दूँगा, आपका काम हो जाएगा। वो कहें नहीं नहीं भाई, देखिए इतनी बड़ी बात है, आपको चलना पड़ेगा। तो वो लोग उनको गए पाकिस्तान से ले के आए जी। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे हैं, इंदिरा गांधी को पता चला कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन एयरपोर्ट पहुँची, और जैसे कि एक शरीफ घर के खानदान के लोग इज्जत करते हैं लोगों की, पता उन्होंने उनके पैर छुए, कहा चचा बताइए आप कैसे आए। अच्छा, इंदिरा गांधी ने जो है एयरपोर्ट पहुंचकर जोश मलिहाबादी का जो इस्तकबाल किया और उनसे कहा चचा बताइए आप, मुझे पता चला कि आप मुझसे मिलने आने वाले जी। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, 3 लोगों को मलिहाबाद में कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी हो गई थी, तो ये लोग हैं भाई, चाहते हैं कि सज़ा उनकी माफ़ हो जाए, तुम चाहोगी तो माफ़ हो जाएगी, तुम मेरी भतीजी हो भाई, मेरी इतनी बात रखना। तो उन्होंने कहा कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप खाली एक फ़ोन कर देते, मैं आपका जो है हुक्म वहीं से मान लेती। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये इन लोगों को बताओ भाई, मैं तो समझ रहा था अपनी बात, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, जाए बगैर काम नहीं होगा। उनका नहीं, आपने अगर कह दिया होता तो आपको आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, आपने जहमत किया नहीं, चलिए इसी बहाने मुलाकात हो गई आपसे। उन्होंने उसी वक्त फाइल मंगाई, अपने ऑफिस पहुँच कर उन सबका जो था सज़ा थी उसको कैंसिल कर दिया। तो ये वाक़या जो है, ये आप जो बता रही है, तभी किस सन का वाक़या है? लगभग नियर अबाउट 80s के आसपास। 80s के। और जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, क्या कुछ अंदाज़ा है उनका जुर्म क्या था, क्या गुनाह था वो उनका? जुर्म क्या बताएं, उनका तो ये था कि वो किसी साजिश, मतलब किसी के साथ वो गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हो गए होंगे कि जो है जो उनके साथी थे उनकी किसी से दुश्मनी होगी, उसमें हाथापाई हुई, उसमें होता है कभी कभी इत्तेफाकन कहीं ऐसी जगह चोट लग जाती है कि आदमी वहीं पर ख़त्म हो गया, तो ये लोग उनके साथ में थे, तो इन लोग के भी नाम आ गया उसमें, तो इन लोग को सज़ा हो गई थी, बाद में उन्हीं ने कैंसिल करवाया उसको। अभी हम जोश मलिहाबादी साहब के जो महल था उसके अंदर आ गए हैं, इसके अंदर शायद फिल्म की शूटिंग भी होगी। इस महल के बारे में कुछ बताइए ईसा भाई, वो कब बना और क्या हिस्ट्री है इसकी? तकरीबन इन सब महलात को बने हुए 150 साल के आसपास, 150 साल पुराना है। और इसमें अभी जो उमराव जान नई वाली जो बनी है, अच्छा नई वाली जो उमराव जान ऐश्वर्या राय वाली जी जी शूटिंग हुई थी, पुरानी उमराव जान की शूटिंग भी इसी में हुई है, और एक फिल्म आई थी जुनून जिसमें शशि कपूर थे जी जी, उसकी शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। और आप ये जो महल देख रहे हैं, इसमें उमराव जान जो पुरानी वाली है, उमराव जान जो नई वाली है, और भी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसका एक फिल्म जुनून थी उसकी भी शूटिंग इसी महल में हुई थी। अभी जो जोश मलिहाबादी साहब के उनवान से जो मुशायरा हुआ था बज़्म उर्दू, वो भी यहीं पे हुआ था, और काफ़ी पुराना है, 150-200 साल पुराना माना जाता है लगभग ये। अभी हम जिस घर में जा रहे हैं, ये घर जोश मलिहाबादी साहब का है, शायरे इंकलाब, ये वो घर है जहाँ पे वो अपना बचपना गुजारा और जहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम पूरी की,
और बाद में आज़ादी के बाद फिर वो पाकिस्तान चले गए, जहाँ पाकिस्तान में इनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको नज़रबंद तक कर दिया गया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत परेशान किया था। मलियाबाद में तामीर करवाया। अच्छा, ये जोश मलियाबादी साहब के अब्बा यानी कि फादर जी, ये नहीं, उनके दादा उनके दादा। अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये अवध की जो फौज थी उसके सिपे सलार थे। अच्छा, यानी कि वो फ्रीडम फाइटर भी थे। ये लिखा है दादा जी, जी। जो आप महल देख रहे हैं, ये जनाब जोश मलियाबादी का महल है। दूसरा ऊपर आप देख सकते हैं जोश मलियाबादी, यही है जोश मलियाबादी। आप मलियाबाद जी, लखनऊ अवध की जो फौज थी, ये जो ब्रिटिश फौज थी, हाँ, इंडियन फौज, जो इंडियन फौज थी, जो अवध की थी, उसके कमांडर थे फकीर मोहम्मद खान गोया। गोया उनका तखल्लुस था क्या? उनका गोया था, फकीर मोहम्मद खान का। अच्छा अच्छा, ये भी देखिए मरम्मत की हालात पे आ चुका है ढांचा, पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। ये तब भी जो डोर है, ये कितना दरवाजा कितना साल पुराना होगा, जिसको 12 तारीख 150 साल पुराना है ये। पुरानी चीज़ें जो बनती थी, जो उसके बनाने वाले कारीगर होते थे, देखिए कितना खूबसूरत बनाते थे। ये जोश मलियाबादी साहब के दादा ने बनवाया था, बारा दरी इसका नाम कहा जाता है। और ये उनका यह महल था, जो अब धीरे 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 टूट रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, ये शेर था उनका। और वाकई उन्होंने जो फरमाया या उन्होंने जो कहा, बहुत ही खूबसूरत कहा, कि क्योंकि जो हमारी बचपने में जो मस्तियाँ होती हैं, जो मौज होते हैं, जो लोग इंजॉय करते हैं, जो पल होते हैं, वो पल कभी दोबारा लौट के नहीं आते हैं। तो वो सही कहा था, मेरे रोने के जिसमें किस्से हैं, ज़िंदगी के बेहतरीन हिस्से हैं। अभी जब हमारी बात हो रही थी, मैं जब आपसे पूछ रहा था जोश मलियाबादी साहब के बारे में, तो आपने उनका एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताया था, मौलाना अबुल कलाम साहब का, तो वो क्या वाकया था? वो वाकया यूँ था कि जोश साहब को कुछ काम था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के ऑफिस पहुँचते हैं उनसे मिलने के लिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे, वो उस टाइम क्या थे उनकी, यानी कि क्या पोजीशन थी पॉलिटिक्स में, क्या थे वो? वो उस वक्त जो है नेहरू साहब के कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। तो वो कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, तो उनके पीए ने कहा कि आप बैठिए, मैं बता दूंगा उनको। तो उन्हीं ने कहा ठीक है, एक स्लिप पे लिख के दिया कि मैं मुलाकात करने आया हूँ, अपना नाम लिख के जोश मलियाबादी अंदर गया जी। तो मौलाना साहब ने देखा, उनका उनसे कहिए कि आप 10 मिनट मेरा इंतज़ार करिए, मैं अभी आता हूँ। तो 10 मिनट के बाद जैसे ही 11 मिनट हुए, जोश साहब ने अपनी शेरवानी से कलम निकाला जी, और कागज़ पर एक शेर लिखा और उनके पीए को दे के वो चले गए। तो 20 मिनट तकरीबन लगे होंगे मीटिंग ख़त्म होने में। जब मौलाना साहब आए तो उन्होंने पूछा, अरे भाई कहाँ है खा साहब? अब वो तो चले गए नाराज़ होकर। क्या क्यों? कहा कि उन्हीं ने कुछ बताया नहीं, उन्होंने एक ये आपको पर्ची दी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। उस पर एक शेर लिखा था, ना मुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और रोज़ मौलाना। एक बार फिर कहिएगा क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना मुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी रोज़ मौलाना। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू से मुखातिब होकर प्रधानमंत्री हमारे जो थे, कि देखिए भाई खान साहब नाराज़ होकर चले गए। तो उन्होंने फ़ौरन वायरलेस किया कि जहाँ कहीं भी ये गाड़ी नंबर है उसको रोक लिया जाए। तो गाड़ी एक जगह रुकी, तो उससे कहा गया था कि आप कुछ बोलिएगा ना।
गाड़ी आ पा रही, रोक के वो किनारे खड़ी कर दी, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो जब गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने कहा भाई हमारी गाड़ी क्यों रोकी, तो उसने ऐसे ही इशारा किया पुलिस वाले ने यूँ इशारा किया, मतलब कि मुझे उसका ये इशारा था कि मुझे चुप रहने के, कहने अच्छा हम मुझे बोलने के लिए मना किया गया है, उसका मतलब ये था यूँ किया कि मैं उसको वहाँ से ऑर्डर था कि आप बोलेंगे नहीं। तो जो साहब ने कहा कि हमसे चुप रहने के लिए कह रहे हो, पता हम कौन है, नहीं नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मुझसे कहा गया है कि भैया खामोश रहना, बोलना ना। सही, जाहिर सी बात है, जिसकी जान पहचान, जिसकी दोस्ती यारी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो उनको अगर कोई पुलिस वाला रोक के कहेगा और चुप रहिए आप, तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर पीछे थे मौलाना अबुल कलाम साहब और जवाहरलाल नेहरू साहब पहुंचे, उन्होंने कहा भाई खास साहब आप तो नाराज हो गए, क्या भाई उससे 10 मिनट का कहा गया था, जैसे ही 11 मिनट लगा, ये मेरे मिजाज के खिलाफ, मैं उसूल पसंद आदमी हूँ, मुझसे 10 मिनट आपने कहे थे, 11 मिनट हुए, मैंने एक शेयर लिखा, मैं चला। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अभी जो हमको जोश मलियाबादी साहब का तारुफ करा रहे थे, उनके जो वाकयात बता रहे थे, ये उनके पर पोते हैं, इनका नाम है मोहम्मद ईसा खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोश मलियाबादी ने एक वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं, यानी कि जब वो पाकिस्तान चले गए और उनके ऊपर तशद्दुद करने लगे, वाकया था वो, वाकया ये था कि उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे मलियाबाद में दफन किया जाए। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिश थी, तो उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, तो यहाँ से मेरे वालिद मोहतरम जनाब अली शाह खान 40 किलोमीटर की लेके पाकिस्तान। अच्छा, ये हिंदुस्तान से मलियाबाद की मट्टी लेकर पाकिस्तान हो गए, ट्रेन पाकिस्तान गए ट्रेन से। और जब वहाँ पहुँचे तो उनके साहबजादे सज्जाद अहतर खान साहब ने कहा कि आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है और हमारे बाबा को कितनी उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी, वो बाबा कहते थे। यानी कि जोश मलियाबादी साहब ने हिंदुस्तान भले छोड़ दिया था, मगर हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने ख्वाहिश की कि मेरी जनाजा, मेरी मैयत या मेरी बॉडी को जो है वो हिंदुस्तान की मट्टी में दफन किया जाए। तो बॉडी को लाना, उनकी मैयत को लाना हिंदुस्तान शायद पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। तो फिर हिंदुस्तान से जो है वो मट्टी 40 किलो इनके वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान बाई ट्रेन लेके गए और फिर उस मिट्टी में मिला के उनको दफन किया गया। इस तरह से उनकी ख्वाहिश को जो है पूरा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।